ये इतना सिंपल नहीं है इसको समझना इसके लिए बहुत ही डीपली हमको समझना पड़ेगा कि दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं एक है प्रोसेस ऑफ अचीविंग एन आउटकम एक है आउटकम वंस यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये आउटकम अचीव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है मे बी नाइन्टी है तो प्रोसेस में अपने आप ही ध्यान चला जाता है बट अगर आउटकम में डाउट होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ पता नहीं उसका रिजल्ट कभी आएगा भी या नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर कि कुछ होगा भी या नहीं होगा तो प्रोसेस से भी ध्यान हट जाता है जैसे ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं अभी आप आई लखनऊ से पास आउट हो चुके हो या अभी हो वहाँ पर अभी हो तो उसके लिए आपने एंट्रेंस दिया होगा हाँ। तो उस टाइम पे आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं हो पाया हाँ। और कुछ होंगे जिनका क्लियर हो गया जिसमें से आप एक हो राइट हाँ। जिनका नहीं हो पाया वहां पर क्या प्रॉब्लम थी क्योंकि दे वर नॉट क्लियर और दे वर नॉट श्योर इनफ कि पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं होगा तो एफर्ट ही नहीं कर रहे थे बट जिसके माइंड में था कि मेरा हो जाएगा अब वो क्यों था वो कहना बड़ा मुश्किल है उसको आप गट फील भी बोल सकते हो उसको ये भी बोल सकते हो कि बेस्ड अपॉन योर पास्ट कैपेबिलिटीज और बेस्ड अपॉन कि मैं क्या करने वाला हूं मतलब अंदर से आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मेरा हो जाएगा आई एम श्योर मैं क्रैक कर लूंगा इसको जिसको टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं तो फोड़ दूंगा एम आई राइट मैं ठीक कह रहा हूँ तभी आप वहां पर हो ऑन दी अदर हैंड दे लॉड ऑफ अदर पीपल जिनमें हो सकता है कैपेबिलिटी आपसे भी ज्यादा होगी उसको क्रैक करने की लेकिन उनके माइंड में क्या होगा डाउट होगा तो जहां ये डाउट आया ना आउटकम से रिलेटेड कि पता नहीं मेरा कुछ होगा भी या नहीं तो फिर इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है मतलब क्या अब उसके पास में कोई गोल ही नहीं है जब गोल नहीं है तो फोकस कहां करेंगे और किस पे करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि अभी आपको पता लग जाएगी दस दिन में दुनिया खत्म होने वाली है तो इन दस दिनों में आप क्या करोगे किसी प्रोसेस पे फोकस करोगे आप कहोगे जितने मज़े कर सकता हूं सब कर लूंगा मैं सारे मज़े कर लूंगा इस दुनिया जहान के कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि दस दिन में तो ऐसे ही सब कुछ खत्म होने वाला है तो आप वहां पर फोकस ही नहीं करोगे अभी में तो अभी में हम कब फोकस करते हैं जब हमें क्लियर होता है कि दस दिन ना सही लेकिन बीस दिन में या एक महीने में या दो महीने में एक साल में दो साल में मैं कर जाऊंगा मैं फोड़ दूंगा तब इंसान अभी जो प्रोसेस है उस पर फोकस करता है फिर जब प्रोसेस पे फोकस करता है तो आउटकम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो एक लूप बन गया इट्स लाइक अ साइकिल

कि इसको क्रैक कैसे करते हैं ये जितना आप क्रैक करते चले जाओगे उतना ही जो आउटकम है वो आपके माइंड में क्लियर होता चला जाएगा देखो ये तो सबको क्लियर है कि मेरा ये गोल है जिसको मुझे अचीव करना है वो क्या है इस एंट्रेंस को क्लियर करना है उसी के लिए आपने कोई ना कोई तैयारी के लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा या खुद तैयारी कर रहे होगे जो भी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका हो जाएगा सभी को लगता है लाखों लोगों को लगता है लेकिन होता तो बहुत कम का है जिनको नहीं लगता है वो तो ट्राई ही नहीं करेंगे सो द पॉइंट इज कि जब हम इसके लिए ट्राई करते हैं वंस यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग तो हाउ डू यू नो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है आप अपने माइंड में ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हो अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हो तो फेक इट टिल यू मेक इट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन इट्स नॉट अ गुड प्लान उससे बेटर क्या है कि इस स्ट्रैटेजी को क्लियर करते चले जाओ अपने माइंड में कि वो करते कैसे हैं द मोर आर क्लियर अबाउट इट द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव कॉन्फिडेंस कहां से आता है देखो एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस एक होता है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है किसी काम को करने से या फिर नॉलेज से इंफॉर्मेशन से एक्सपीरियंस से यहां से आता है है कॉन्फिडेंस 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 इसके इसके बेस पे जो होता है, उसको आप बोल सकते हो इसके बिना जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हवा में कोई भी कुछ भी सोच सकता है मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आप यहां से निकलने के बाद में कुछ आप अपना करने का सोच रहे हो मे बी अभी इमीजिएटली नहीं

मतलब दो तरीके होते हैं सीखने के एक खुद गलती करो और उससे सीखो दूसरा है पास्ट में जिन्होंने जो भी गलतियां करी उससे सीख लो जिन्होंने जो भी सही किया उससे सीख लो दैट इज़ अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग उससे क्या होगा कि जो उस इंसान ने पचास साल में सीखा या सौ साल में सीखा और वो भी जो उसने पचास साल में सीखा वो पाँच हजार बुक्स को पढ़ करके सीखा यानी उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है जो उसने पचास साल में सीखा तो अगर उसको आपने पाँच महीने में सीख लिया तो पांच महीने में आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आप खुद सीखोगे तो आपको पांच हजार साल लगेंगे तो पांच हजार साल में जो चीज सीखनी थी वो आपने पांच महीने में सीख ली दिस इज अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया उन लोगों के एक्सपीरियंसिस पढ़ के जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाने वाले हो तो वहां से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है आई टू हाउ डू डू यू प्लान डे फॉर इफ टास्क

आइडियली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज के दिन में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन टास्क है उसमें से भी नंबर वन पे ये है नंबर टू पे ये है नंबर थ्री पे ये है तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में आज के इस दिन में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं है जी आपने एट्टी ट्वेंटी रूल के बारे में सुना होगा एट्टी परसेंट ऑफ द रिजल्ट कम्स फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ द एफर्ट्स तो जब हमको ये बात पता है तो हम दस चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहे हैं दो पे क्यों नहीं कर रहे ए टी ट्वेंटी आ गया ना आठ को अगर हम स्क्रैप कर दें और सिर्फ दो पे ही फोकस करें तो एक तो हमारा माइंड डी क्लेटर हो गया माइंड में दस चीज़ें नहीं घूम रही दो ही चीज़ें घूम रही है उसमें भी हमने प्रायरटाइज कर लिया ये नंबर वन है ये नंबर टू है उससे क्या होता है कि एक तो मुझे अब दो तीन काम करोगे उसमें पूरे एफर्ट के साथ में करोगे पूरी अटेंशन के साथ में करोगे पूरे फोकस के साथ में करोगे और अपने माइंड को एक क्लियर गोल दे दिया कि आज का मेरा गोल ये है ये तीन टास्क मुझे अचीव करने हैं दैट्स इट क्योंकि दस में क्या दिक्कत है कि आप दस सेट करोगे अपने माइंड में उसमें से अचीव होने वही ही हैं दो तीन ही होने हैं तो फिर अपने अंदर एक गिल्ट आएगा कि यार मैंने इतना कुछ सोचा था लेकिन हुआ तो है नहीं तो ऐसे हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें टाइम लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ये सिर्फ दिन में ही नहीं होता है ज़्यादातर लोग ये जो मेरे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो डे के लिए पूछते हैं ये लाइफ में भी होता है जिसके बारे में हम कभी बैठ करके सोचते नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है ना रेस में भाग रहे हैं सारे के सारे एक रेस लगी हुई है सबको आगे निकलना है तो कोई बैठ करके अपने आप से पूछता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक्चुअल में क्या है लाइफ में मेरे लिए ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें नंबर वन पे है नंबर टू पे है नंबर थ्री पे है जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है पूरी दुनिया के लिए ये जो तीन चीजें हैं ये कहीं आती ही नहीं है एक्चुअल में बोलने के लिए आ जाती है अगर आप किसी से पूछोगे ना हाँ भाई क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एक्चुअल में आप देखोगे तो उनके चौबीस घंटे में से कुछ भी वहां पर टाइम नहीं जा रहा है उन तीन जगहों पर कहीं और ही टाइम जा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो बोल कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं क्यों उसके पीछे क्या जड़ है क्योंकि कभी बैठ करके सोचा ही नहीं कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है बट सर बट आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई आईडेंटिफाई आई वॉन्ट अचीव सो मे बी आई डोंट नो लाइक आई वॉन्ट डू बिगिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड मे बी आई आई डू इन्वेस्टमेंट थिंग

कि कोई ऑर्डर दे रहा है और मेरे को फॉलो करना है बट हो सकता है दूसरी तरफ से वही आपके लिए सही हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि आपके लिए क्या सही है किसी और के लिए कुछ और सही है किसी और के लिए कुछ और सही है तो वो तो जब करोगे तब पता लगेगा तो बैठ करके सोचने से नहीं होगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं अगले दस साल में बीस साल में तीस साल में, में मेरी लाइफ कैसी होगी अब वो चाहे जॉब से होगी चाहे बिजनेस में होगी वो हो गया रास्ता कौन सा मैं पकड़ूंगा बट अल्टीमेटली वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ दैट मस्ट बी वेरी क्लियर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ चलो इसको यहीं पर कर करके देखते हैं आपको कैसी लाइफ चाहिए चालीस साल की एज में क्या आप चारों तरफ से बंधे हुए हो या बिल्कुल फ्री हो फ्री हो तो इसमें कंफ्यूजन क्या है तो एक चीज आपको मिल गई एक पिलर मिल गया कितना इंपॉर्टेंट है फ्रीडम आपके लिए आई थिंक नंबर वन मे भी फ्रीडम या हेल्थ दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस हेल्थ इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम अदरवाइज आई बी बाउंड टू मेडिसिन तो आपने हेल्थ को फ्रीडम से जोड़ दिया क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू विल बी बाउंड बाय योर बॉडी बाउंड बाय द डिजीजेस इन बॉडी तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे फ्रीली वो नहीं कर पाओगे जो भी आप करना चाहते हो तो फ्रीडम के लिए क्या चाहिए हेल्थ हेल्थ हाउ इंपॉर्टेंट इज मनी फॉर फ्रीडम आई थिंक आफ्टर मोस्ट थिंग पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए आई गेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट ऐसे सोचना होता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी करियर है आपका उसमें आगे बढ़ना क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे तो ज्यादा कैसे कमाओगे yeah. ज्यादा नहीं कमाओगे तो ज्यादा कैसे बचाओगे yeah. ज्यादा नहीं बचाओगे तो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे yeah. तो दोनों इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ठीक बोला आपने क्या ज्यादा कमाना भी और ज्यादा बचाना भी yeah. क्योंकि तभी तो फ्री होगे आपने ज्यादा कमाया और ज्यादा खर्च दिया तो एट द एंड ऑफ द डे या बैक टू स्क्वायर वन मतलब जीरो से शुरू हुए जीरो पे आ गए या माइनस में चले गए बहुत लोग माइनस में चले जाते हैं लोन लिया ये लिया वो लिया फाइनेंस कराया उसके बाद में पता लगा जी हम तो माइनस में बैठे हैं अगले बीस साल तक मेरे को ई भरनी है हर महीने अब बीस साल के लिए तो मैं बंद किया मानो एक ऐसी जॉब से जो मुझे पसंद ही नहीं है तो फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना तो अगर ये गोल आपके माइंड में क्लियर होगा तो कभी भी आप बंद हो गए नहीं बट ये गोल कितने लोगों के माइंड में क्लियर होता है मे बी वन परसेंट हार्डली वन परसेंट वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने लोगों के माइंड में ये गोल नहीं होता है कुछ और ही गोल्स होते हैं मुझे ये करना है मुझे वो करना है उनसे पूछो क्यों करना है किसी को प्रूव करना है किसको प्रूव करना है और किसको फर्क पड़ता है कि आप करो या ना करो वॉट इज इट दैट यू एक्चुअली वॉन्ट दैट मस्ट बी वेरी क्लियर जैसे फ्रीडम के लिए हमको एक पिलर मिला हेल्थ दूसरा मिला वेल्थ वेल्थ मतलब क्या वेल्थ मैनेजमेंट नॉट जस्ट अर्निंग मनी बट मैनेजिंग मनी इन अ स्मार्ट वे सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली फ्री हेल्थ को भी मैनेज करना ताकि आप हेल्थ वाइज फ्री हो जाओ और क्या आया और भी कोई पिलर है फ्रीडम में गुड रिलेशनशिप्स

इट्स नॉट अ हेल्थी रिलेशनशिप आई वुड से अब यहाँ पे एक और क्लैरिटी आई फ्रीडम के लिए हमको क्या चाहिए रिलेशनशिप अब इस हेल्दी रिलेशनशिप को भी डिफाइन करना पड़ेगा हेल्दी रिलेशनशिप मतलब क्या आई बिलीव दैट वे देर इज अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर क्लियर वट यू आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दर पर्सन एंड एंड ही इज क्लियर सो इफ यू थॉट प्रोसेस एंड योर एम्बीशंस आर सेम एट दे आर सेम लेन यू कैन

तो सेम को अगर पास में ले आए तो दर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे रिपल्शन होगा और अगर को ले आओगे तो अट्रैक्शन होगा हो, yeah. हो सकता है दोनों साथ में मिल करके वो वो मैग्नेट पूरी हो जाए या वो बैटरी पूरी हो जाए प्लस और माइनस को मिला करके अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज किया टू टॉक अबाउट इट मतलब वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये सब बात करने के लिए मतलब ऐसा तो कुछ नहीं पा रहे हो तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है आई एम नॉट श्योर बट बिकॉज आई एम नॉट इन रिलेशनशिप बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया वहाँ पर एक रिलेशनशिप का और एक आपस में जो एक मान लो अंडरस्टैंडिंग भी है और सेक्शुअल कंपेटेबिलिटी भी है बट यू डोंट इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी एक दूसरे के साथ में अच्छा नहीं लगता इट्स मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शन कि भाई पति पत्नी है तो अब साथ में रहना है ऐसी बहुत रिलेशनशिप आपने देखी होंगी दुनिया में राइट right? रहे चले जा रहे हैं साथ में बट एक्चुअल में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं yeah. वो कितना इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोथ ऑफ यू वॉन्ट टू बी विद ईच अदर नॉट हैव टू बी विद ईच अदर राइट तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके हमको हर एक चीज को डिफाइन करना होता है एक और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि एक है जो काम आप करने वाले हो विच यू मे ऑर मे नॉट लाइक बट जहाँ से आपका खर्चा चलने वाला है जहाँ से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है एक काम है जो आप करना चाहते हो जहाँ पे एक्चुअल में आपको पैसा मिलेगा नहीं पैसा देना पड़ेगा जेब से वो काम करना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल पीस क्योंकि हो सकता है वो करने से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि ये जो वर्ड है ना पैशन ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बट एक्चुअल में जब हम पैशन को फॉलो करते हैं ना तो सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है Yeah. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है यानी वो करना जो आप करना चाहते हो चाहे उसको करने के लिए जो भी आपने पैसा कमाया है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही काम करने के लिए ऐसा तो रेयर लोग करते हैं आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज हाँ देट्स वट वी वॉन्टेड टू डू फॉर एंटायर लाइफ एंड वी हैवन डन इट सो दैट विल बी अ फेलियर फॉर अस एंड वी विल थिंक दैट आई वॉन्टेड टू डू दिस फॉर लाइक थर्टी ईयर्स बट आई ट्राइड इट एनी डे सो आई फील दैट आई अ रिग्रेट इन माई माई सेल्फ और वो कब करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मतलब तीस की एज में चालीस की एज में पचास की एज में सत्तर की एज में अस्सी की एज में नब्बे की एज में कब अपने पैशन को फॉलो करोगे कब वो करोगे जो एक्चुअल में आप अंदर से करना चाहते हो सर एज सुन एज पॉसिबल इन द लाइक इट डिपेंड्स वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पैशन सो इट रिक्वायर्स अ ऑफ मनी बट इफ आई कैन स्टार्ट इट ऑन द स्मॉलर लेवल फ्रॉम नाउन आई आई विल बी लुकिंग टू मेकिंग इट अ थिंग सो दैट्स अ स्मार्ट आंसर सो वॉट यू सेंग इज़ के अगर मैं अभी से ही शुरू कर देता हूँ वो करना तो बहुत बढ़िया है क्या करने की बात हो रही है यहाँ पर कि जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है यू रियली इंजॉय डूइंग इट एंड यू फील लाइक एज इफ एट द एंड ऑफ द डे कि माई लाइफ इज़ वर्थ इट क्योंकि मैंने आज ये किया yeah. इसलिए नहीं कि मुझे करना पड़ा क्योंकि महीने के एंड में मुझे इतना पैसा मिलता है उससे मेरा और मेरी फैमिली का गुजारा होता है तो वो एक तरीका हो गया जीने का तो इफ यू आर सेइंग सेज सून एज पॉसिबल मतलब आप तीस की एज में चालीस की या साठ या सत्तर की एज में आफ्टर रिटायरमेंट आप ये सब नहीं करना चाहते हो आप अभी करना चाहते हो तो अभी आपको करने से कौन रोक रहा है मैं बताता हूं कौन रोक रहा है क्योंकि अभी आपने जो बोला था ना उसमें आपने ध्यान से अगर अपने वर्ड्स को सुनोगे ना जब ये वीडियो अपलोड होगी और अगर उसको सुनोगे तो आपने अभी क्या बोला कि वो करने के लिए हो सकता है मुझे बहुत पैसा चाहिए वो yeah. तो माइंड में क्या है एक ब्लॉक है बहुत बड़ा वो ब्लॉक क्या है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो करने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए तो वो तो मेरे पास में है नहीं तो मैं वो नहीं कर सकता प्लस अभी जो भी मैं कर रहा हूं वो करने के लिए मानो एम करने के लिए मैंने इतना लोन लिया है तो वो लोन की इंस्टॉलमेंट भी है प्लस घर वालों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अरेंजमेंट किया है वो भी मुझे पैसा देना है तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है प्लस घर का खर्चे का भी बर्डन मेरे ऊपर है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है तो क्योंकि मेरे ऊपर इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं ट्रू नंबर वन इज दैट नंबर टू इज कि पता नहीं मैं वो करूंगा उसमें सक्सेस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी अनसर्टेनिटी आ गई हो सकता है वहां पर मैं फेल हो जाऊं जॉब में तो शॉर्ट शॉर्ट है ना कि भाई आई से निकले हो ठप्पा लगा हुआ है बढ़िया तो जॉब तो अच्छी मिली जाएगी पैकेज तो अच्छा मिली जाएगा तो वहां पर तो क्लियर एक पाथ नजर आ रहा है यहां पर कोई श्योरिटी ही नहीं है ये भी एक और इश्यू आ गया प्लस ये भी नहीं पता है कि करूं क्या क्योंकि जो माइंड में है उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए yeah. बिना पैसे के या कम पैसे से कुछ बड़ा कैसे करते हैं वो तो बात अभी पता ही नहीं yeah. और अगर कहीं दिखता भी है तो उसमें एक्चुअल में जो रियलिटी है 99 परसेंट जो इस तरह के पाथ दिखते हैं ना वो सब फ्रॉड होते हैं क्यों क्योंकि वो जो पाथ जिन लोगों ने बनाए हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए हैं yeah. लोगों के फायदे के लिए थोड़ी बनाए हैं जैसे आप गूगल पे जाकर के सर्च करो आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे यूट्यूब जा सर्च करो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप ये ज्वाइन कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे और वो खुद ही करोड़पति नहीं है yes, I, I और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद करोड़पति है भी लेकिन उनके अलावा और कोई करोड़पति नहीं है बाकी सबका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और वो लाखों रुपए वहां से शिफ्ट होकर के उस करोड़पति के पास में आ गया है आप समझ गए क्या हो रहा है या तो वो खुद ही वो नहीं है जो वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया है लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं बातें करने में क्या जाता है मतलब <laughs> आपसे बातें करेंगे करोड़ों की लाखों की और उनको अगर कोई दस हजार रुपए देगा तो टट्टी भी भेजने के लिए एग्री हो जाएंगे क्या करना है ये इसको बेचना है हाँ हाँ मैं बोलता हूँ ना क्या बोलना है क्या बोलना है सर दस हजार रुपये मिल रहे हैं ना तो सोचो जो बंदा दस हजार रुपए के लिए बिक गया वो क्या आपको करोड़ों कमवाएगा उसकी तो सोच ही दो कौड़ी की है ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में तो या तो आप उधर ट्रैप में जा करके के फंसोगे ढंग की इन्फॉर्मेशन तक पहुँचोगे कैसे yeah. जो एक्चुअल में रिलायबल हो यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसने एक्चुअल में आप ही की फील्ड से रिलेटेड बहुत ही छोटे लेवल से ज़ीरो से शुरू किया हो और किसी बड़े लेवल तक गया हो अगर वहां से एक पाथ मिल जाए क्लियर कट कि वो कैसे किया जाता है तब तो सही है बाकी नकली लोग तो बहुत घूम रहे हैं वो क्या करेंगे अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी चेप देंगे कुछ भी बोल देंगे कुछ भी कर देंगे अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए क्योंकि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो आप करना तो अभी चाहते हो लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगले 10-20 साल में 30 साल में 50 साल में भी कभी कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि एक बार जब एक आदमी एक जगह पर जाकर के एक स्ट्रक्चर में फंस जाता है जिसको कंफर्ट जोन बोलते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबल तो स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल is the way out and maybe identifying those people who have made it big by starting very small. for example, if i want to do something in investing, uh, there are people like warren buffett, benjamin graham, in or in from indian perspective, rakesh Junjunwala and others who have done it, who started very small. so maybe reading their journeys, what what are their thoughts about it and how they did it, i guess that's something which i can look upon for. एक तो है कि उनको देखा जाएगा समझा जाएगा कि एक्जैक्टली exactly उन्होंने क्या किया मानो दस हज़ार डॉलर से शुरू किया तो पहले वो दस हज़ार डॉलर भी होना चाहिए yeah. प्लस उनके खर्चे कैसे चल रहे थे ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि वो दस हज़ार डॉलर को दस बिलियन डॉलर बनने में तो बहुत साल लगने वाले है ना yeah. पूरी जिंदगी लगने वाली है तो तब तक ज़िंदगी कैसे चलेगी जब तक के वहाँ से पैसा एक्चुअल में नहीं आने लग जाता ये भी तो सोचना पड़ेगा ना तो इनकम कहाँ से आएगी और इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए भी तो हाथ में पैसा होना चाहिए वो पैसा कहाँ से आएगा ऐसे सोचना होता है कि अगर आपने कहा है फ्रीडम तो जिस पाथ पर आप चलने वाले हो वो फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहा है यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि अभी जिस जगह से आप ऑपरेट करने वाले हो वो फ्रीडम की तरफ नहीं जाएगा वो बाउंडेशन की तरफ चला जाएगा दैट इज गोइंग टू बाउंड यू फ्रॉम ऑल दी साइड्स डाउन द लाइन क्योंकि उसमें आपने एक और क्या बात करी रिलेशनशिप रिलेशनशिप मतलब क्या शादी शादी मतलब क्या शादी तो हो जाती है बच्चे अपने आप हो जाते हैं उसके बाद में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और आ जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं तो जितने खर्चे बढ़ेंगे तो जो सिचुएशन अभी है करंट उससे ज़्यादा पैसा चाहिएगा yeah. और पैसा क्या होता है आज की डेट में अगर आप हिसाब लगाने जाओगे तो पचास हज़ार रुपये लाख रुपये महीना मतलब दिल्ली में अगर आप एक घर लेने चले जाओ आप दिल्ली में रह रहे हो आई थिंक राइट हाँ आपको आइडिया होगा ही कि क्या रेट है फ्लोर का अगर एक ढंग की लोकेलिटी में एक फ्लोर लेने चले जाते हो कितने का आ जाता है डिपेंड्स ऑन द एरिया बट अराउंड करोड़ करोड़ मे बी में तो बहुत एक मतलब <laughs> लिमिटेड सा कुछ आएगा yeah. और बहुत अच्छी लोकेलिटी नहीं होगी yeah. मतलब अगर आप मिड सेगमेंट में भी जाओगे ना तो दो तीन करोड़ कहीं नहीं गया मैं टॉप की बात नहीं कर रहा वहाँ तो दस करोड़ बीस करोड़ तीस करोड़ पचास करोड़ कोई लिमिट ही नहीं है बट एक रीजनेबल लेवल पर भी अगर आप जाओगे तो दो तीन करोड़ रुपये चाहिए एक छोटा सा घर लेने के लिए विच इज लाइक टू बी और थ्री बी uh -huh. तो दो तीन करोड़ का मतलब क्या हुआ उसके लिए कितना पैसा चाहिए और कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में यस यस और मे बी एंटायर लाइफ क्योंकि दो करोड़ तीन करोड़ आपको सेव करना पड़ेगा ना <laughs> कमाना नहीं है क्योंकि अगर दो तीन करोड़ कमाओगे तो उसमें से खर्चे भी तो हो रहे हैं ना खाने का पीने का ये वो वटेवर रेंट का इसका उसका पुरानी जो लोन है उसको चुकाने का ये वो वटैवर तो अगर आप ध्यान से समझोगे अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करी जाए बारह लाख का भी अगर पैकेज लगा हमारा साल का और बारह लाख में से आपने मानो एक हाइएस्ट पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं आधा पैसा बचा लिया कि छः लाख रुपये बचा लिया हमने साल का तो दो करोड़ तक पहुँचने में कितने साल लगे थर्टी फाइव थर्टी थर्टी टू फोर्टी ईयर्स थर्टी फोर्टी ईयर्स दो करोड़ की बात करी जाए तो ऐसा ही होता भी है रियलिस्टिकली आप देख लो yeah. मतलब चालीस की एज तक जा करके बंदा थोड़ा थोड़ा सेटल होने लग जाता है फिर क्या होता है फिर हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं फिर उसके बाद किसने क्या देखा है फिर तो बहुत सारी और वराइटी चेंज हो जाती है लाइफ की इस समय फ्रीडम कहाँ है ये तो बेयर नेसेसिटी हो गई ये तो बेयर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हो गया ये तो सर्वाइवल हो गया सर बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल टर्म्स इफ सवन गोज फॉर अ बिजनेस एंड यू नो इन्वेस्ट मे सेविंग्स एंड टेक लोन समथिंग एंड देन ही बिकॉज फेलियर रेट इन स्टार्टअप इज वेरी हाई सो एवरी आउट ऑफ हंड्रेड मे बी ओनली टेन सरवाइज टेन ईयर्स ऑन द लाइन इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क लाइक स्पेशली वेन यू डोंट हैव द डिजायर यू आर जस्ट अट्रैक्टेड विद द आइडिया विच इज सोल्ड बाय समन एल्स ओनली इसमें ना आप पता है क्या, क्या करो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना आप खुल के डिबेट करो मतलब मेरे साथ में दिस इज वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट कि मतलब मैं एक्चुअली में जानना चाहता हूँ समझना चाहता हूँ कि बेसिक साइकी है क्या लोगों की क्योंकि यू यु आर फ्रॉम द टॉप कॉलेज yeah. तो आपकी साइकी अगर मुझे समझ आ जाएगी तो मासिस की तो एक सेकंड में आ जाएगी राइट हाँ तो एक बार समझते हैं जरा अब आपने कहा कि भाई अगर मैं अपना कुछ करता हूँ स्टार्टअप करता हूँ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि मैंने सेविंग्स भी लगा दी लोन भी ले लिया ये भी कर लिया और वो फेल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि नाइन्टी परसेंट स्टार्टअप तो फेल हो जाते हैं बट नाइन्टी परसेंट स्टार्टअप फेल हो जाते हैं इसका मतलब क्या है दस सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दस में से एक तो सक्सेसफुल होता है ना तो अगर आप पहले ही सोचो कि मेरे को दस करने हैं दस में से एक तो हो ही जाएगा तो क्या वो प्लान फुल प्रूफ नहीं हो गया और किसने कहा है कि एक स्टार्टअप में दस लाख रुपए लगाओ दस हजार क्यों नहीं yeah. दस हजार रुपए अगर आपने दस स्टार्टअप में लगाए तो कितना हो गया एक लाख रुपए आई थिंक इससे ज्यादा की तो फीस ही होगी आपकी नहीं yeah. अभी जो जिस भी कॉलेज से आप पास आउट कर रहे हो पर मंथ लाख ज्यादा आई यू सीरियस मतलब मेरे को नहीं पता इतनी ज्यादा है क्योंकि कि कितनी आपकी साल की कितनी फीस है पर ईयर इट्स अराउंड लाख पर ईयर अराउंड दस बारह लाख तो दो साल का भी अगर आपने एम किया तो बीस पच्चीस लाख रुपये तो यहाँ लग गया जो अगर कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है तो उनके पास में पच्चीस लाख तो स्पेयर होता नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा तो पच्चीस लाख रुपये का हमने लोन ले लिया जिसको हमको चुकाना है क्या ये रिस्की नहीं है क्योंकि फ्रीडम पे तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना 25 लाख के नीचे तो आप आ गए अब इस 25 लाख से ही निकलने में आपको बहुत साल लगने वाले हैं मान लेते हैं कि आपकी यहाँ से प्लेसमेंट लग जाती है कहीं जॉब लग जाती है और वहां पर जो बॉस है वो आपका टॉर्चर करता है सुबह से रात तक अब क्या करोगे वहां पे छोड़ पाओगे या नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि अगर छोड़ा तो रेज्यूम खराब हो जाएगा एक दो साल तो काम करना पड़ेगा ना तो फ्रीडम कहाँ है अभी तो मैं बात कर रहा करूँ टॉप कॉलेज की इंडिया के टॉप कॉलेज की जिसमें आई आ गया आई आ गया और ये आ गया वो आ गया अभी बॉटम की तो बात ही नहीं हो रही जहां से निकलने के बाद में क्या फ्यूचर है वो सबको पता है तो टॉप कॉलेजेस से निकलने के बाद भी पहले तो टॉप कॉलेजेस में घुसना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है उसके लिए कई साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे yeah. पढ़ाई करनी पड़ेगी तैयारी करनी पड़ेगी उसको क्रैक करने के लिए उसके लिए भी पैसा चाहिए टाइम भी चाहिए पैसा भी चाहिए फिर वहाँ पर जाने के बाद भी टाइम भी चाहिए पैसा भी चाहिए yeah. फिर वहाँ से निकलने के बाद में हमको क्या मिला ऐसा तो नहीं है कि एक करोड़ की जॉब मिल गई क्योंकि वो अखबारों में तो दिखता है बट कितनों की लगती है वो एक करोड़ की जॉब Uh, बहुत कम बहुत कम इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री sure आई है नहीं देखिए आई आई टी के ऊपर yeah, yeah, yes, तो? uh -huh. अंदर का कुछ आया क्या होता है तीन साल में और ये जब बच्चा फोन करके बताता है अपने घर पे की मेरी आठ लाख का पैकेज लग गया है तो घर वाले बोलते हैं बट अखबार में तो आया था तीन करोड़ का लगा है दोबारा सिर्फ आठ लाख का लगा है से अल्टीमेटली फनल के थ्रू कुछ लोग वहां तक पहुंचे उसमें से भी किसी एक आध का लग गया तो लॉटरी हो गया क्या होता है आठ दस लाख बारह लाख राइट एवरेज यही निकलता है I want to do something big in business, let's say. If I am from a uh, better college, is yes, let's say I am Lucknow, or maybe something. So I have, I have access to a big network right there. So I know a lot of people. I'll have access to those people who have done these things because there are a lot of startups. Uh, so there are a lot of people who have jo done. alumni. Yeah. So they have this network thing and there are a lot of alumni who have done very big in th the startups. So, for example, uh, Bombay Shaving Company. Is uh, run by a person who is from IIM so we have that access. So I guess, uh, and also I was uh, studying this article in a newspaper, which was about uh, the most successful startups in India, and they were trying to uh, uh, divers. Uh, uh, they were trying to, uh, you know, check the resumes of those founders. So around seventy percent of those were from the top colleges only. So what I believe is even if you we want to do something big out there being in an environment where you have access to those minds for, for the, those two years and after that will definitely can help you and if we s only see that two years from the perspective of placements then maybe we are going to lose lose on it but if we see the bigger picture that I have that access to those sharp minds who are going to do something big in their lives.

ग्रुप डिस्कशंस हो गए डिबेट्स हो गए प्रेजेंटेशंस हो गई ये हो गई वो हो गई उस सब में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जो आप यहाँ पर जाने से पहले थे और अभी जो हो उसमें बड़ा फ़र्क आ गया होगा आई एम sure, श्योर और एक साल बाद और फ़र्क आ जाएगा तो एक तो वो आपको मिल रहा है प्लस आपको एक नेटवर्क मिल रहा है प्लस यहाँ पर आपका अपना एक इनक्यूबेशन सेंटर भी होगा yeah. तो इस तरीके से अगर हम समझते हैं तो ये सब हमको बेनिफिट मिल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर स्टार्ट्स की बात करी जाए कितने लोग हैं जो एक्चुअल में वहाँ से निकल करके अपना स्टार्टअप करते हैं इन टर्म्स परसेंटेज और कितने हैं जो जॉब में चले जाते हैं और उसके बाद में कभी अपना कोई स्टार्टअप नहीं करते हैं सर ऑल दर नंबर, बट इफ यू सी द बिगर पिक्चर लाइक इफ यू सी द एंटायर पॉपुलेशन एंड सी हाउ मेनी आर डूइंग स्टार्टअप एंड मेकिंग इट बिग देन दर्सेंटेज बिगर फॉर दिज कॉलेज बिकॉज इवन अ लॉट ऑफ पीपल डू वट दे डू इज आफ्टर मे बी स्पेंडिंग ट्वेंटी ईयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड

फाइव ईयर डाउन द लाइन आई हैव एन आइडिया विच आई थिंक आई कैन मेक इट बिग सो वाई नॉट स्टार्ट देन रेद नाउ वेयर आई डोंट हैव एनी थिंग इन माइंड आई एम एंड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट सो वॉट यंग इज कि भाई हो सकता है पाँच दस साल में मेरे माइंड में एक आइडिया आएगा बेस्ड अपॉन जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उसके बेस पे तो उस वक्त आई बी हैविंग बेटर एक्सेस ऑल्सो बेटर एक्सपीरियंस प्लस इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं yeah. कि जो टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं वहां से जैसे आपने बताया सेवेंटी तो आई वॉन्ट भी सरप्राइज कि ऐसा होता है बट ये बात हो गई टॉप लेवल के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी ये उसका डेटा है टॉप yeah. लेवल के इन द सेंस स्टार्टअप्स विच मेक इट बिग जो मीडिया में न्यूज में हम सुनते हैं जिनके बारे में बट yeah. ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बूथ स्ट्रैप्ड होते हैं जिनके बारे में हम कहीं नहीं सुनते हैं yeah. क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसमें कोई इन्वेस्टर ही नहीं है yeah. तो मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जहाँ पर लाखों लोग बैठे हैं ये जो स्टार्टअप जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो गिने चुने हैं हम बड़े आसानी से गिन सकते हैं कि इस महीने में कितने स्टार्टअप्स थे और कितने उसमें से फंड हुए कितनी फंडिंग मिली उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए कितने फेल हुए इस साल में वो सब नेट पे अवेलेबल है yeah. वो हमें दिखता है वहाँ पर बट वो एक और नैरो फनल है वहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो yeah. मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं क्या कह रहा हूँ सिंपल बिजनेस जो स्टार्टअप की दुनिया से पहले भी एग्जिस्ट करता था अभी भी करता है पूरी दुनिया में और फ्यूचर में भी करता रहेगा okay. वो क्या है एक छोटे से लेवल से हमने कोई काम शुरू किया पाँच दस अलग अलग तरह के काम ट्राई करें और हमें पहले से ही पता है कि दस में से एक आध तो चली जाएगा अगर हमारे में कैपेबिलिटी है तो वो बात हम क्यों नहीं पकड़ते हैं मेरा यह क्वेश्चन है सो वट आई बिलीव दिस ऑल्सो माइंड सेट सो एवरी बिजनेस डोट फ्री to be honest but I believe even so for example if there is a person who started his uh, shop for example say a garment shop or maybe showroom and now he is not able to automate his business so he has to be there from morning to evening otherwise his business will not run because he will have he will be fear that his employees will टेक uh, या तो सामान चुरा लेंगे तो फिर वो उसको वहीं पे हाँ बैठना पड़ेगा हाँ तो ये तो जॉब से हाँ तो हाँ 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 मंडे टू फ्राइडे और हफ्ते हैं आपको एक वे जाना डे लीव बीव भी नहीं ले सकते है की अगर सात दिन अपना काम बंद किया तो यू लूज ये आप बात कर रहे हैं मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आई एम नॉट श्योर उसको हम बिजनेस कहेंगे या क्या कहेंगे क्योंकि जिसने ऑटोमेट ही नहीं किया अपने बिजनेस को क्योंकि आप तो बड़े अच्छे से समझ जाओगे इन वर्ड्स को हा, हा, जिसने अपने बिजनेस को सिस्टम एंड प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं किया नहीं। उसको बिजनेस कहना ही ठीक नहीं है ना देट विल्फ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं क्या कह रहा हूँ एक सिंपल शुरुआत करी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ताकि आप उस बिजनेस को इन एंड आउट समझ गए बाद में डेलीगेट करते चले गए और फिर आप फ्री हो टाइम वाइज भी एंड फाइनेंशियली भी इतना मुश्किल क्यों लगता है हमको सुनने में मतलब क्या मेंटल ब्लॉक आता है इस सब में मेंटल ब्लॉक इज वी डोंट डोंट हैव द राइट नॉलेज अ अ लॉट ऑफ पीपल हु हु आर गोइंग इन दिस थिंग्स दे नो हाउ टू ऑटोमेट बिजनेस एक मिनट मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा आप कह रहे हो हमारे पास में सही नॉलेज नहीं होती ये बात अगर आप करते आज से 20 साल पहले 30 साल पहले 50 साल पहले तो मेरे को समझ आ जाती क्योंकि तब हम इन्फॉर्मेशन एज में नहीं थे आज तो नॉलेज आपको जितनी चाहिए आपके मोबाइल में सब कुछ है यहीं बैठे बैठे आप वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो ऑनलाइन उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हो सुन सकते हो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं हम देख सकते हैं आज की इस दुनिया में यानी इस डिजिटल दुनिया में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं और एक दो अवेलेबल नहीं है लाखों करोड़ों अवेलेबल है yeah,

कि सिर्फ यही तो एक बात नहीं है ना yeah. इसके अलावा भी बहुत सारे और रास्ते भी है ना yeah. उस तरफ कोई देखता तक नहीं है क्यों नहीं देखता है क्योंकि आपने बताया एक नॉलेज नहीं है yeah. बट ये सच नहीं है क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है आज की डेट में अगर कोई एक्वायर करना चाहे तो एक्चुअली विलिंगनेस टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है राइट विलिंगनेस टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है इंटेंसिटी टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है लोग इंटरनेट पर टाइम पास तो कर रहे हैं बट एक्चुअल में ढंग कुछ करने वाले बहुत कम लोग हैं

तब जा करके उस लैडर में आप ऊपर चढ़ पाओगे yeah. और उस लैडर में भी देखने में दूर से बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ बट इतनी पॉलिटिक्स है जिसकी कोई हद नहीं है क्योंकि जहां पर लोग होंगे वहां पर पॉलिटिक्स होगी yeah. कोई आपको पकड़ के नीचे भी खींचेगा पावर डायनामिक्स भी चलेगी सब कुछ होगा yeah. तो उस सब में से जगह बना करके किसी तरीके से अगर आप लेडर के टॉप तक पहुंच भी गए तो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि इतनी मारकाट करके हम 20-30 साल में वहां तक पहुंचे ऑल आई एम सेइंग इज कि एक और पाथ है जिसकी मैं बात करता हूँ बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आता है अपनी अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग तरीके से बात करता रहता हूँ उसके बारे में आपने भी देखा ही होगा yes, yes, yes. कितनी कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत रेयर कोई होगा जो एक्चुअल में समझ पा रहा होगा कि मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूँ देखो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है आपकी तो कहेंगे कि निकल पड़ी कि भाई आपने तो फोड़ दिया कि टॉप कॉलेज में बैठे हो वहाँ से निकल करके अब एक पैकेज मिल जाएगा वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एजुकेशन लोन खत्म हो जाएगा अपना एक लाइफ सेट हो जाएगी जिसको टिपिकल इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं लाइफ सेट हो जाएगी yeah. अभी हम फ्रीडम की तो बात ही नहीं कर रहे बट एटलीस्ट लाइफ आपकी सेट है yeah. ये तो साफ नजर आ रहा है yeah. तो <laughs> मैं एक बार को फ्रीडम को भी छोड़ देता हूं क्योंकि वहां तक तो लोग बातें करते हैं yeah. और फ्रीडम भी कई तरह की होती है एक है रिलेटिव फ्रीडम फ्रीडम इन रिलेशन टू समथिंग और है एब्सोल्यूट फ्रीडम एब्सोल्यूट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो लोगों के ऊपर से निकल जाएगा yeah. लोगों का दिमाग कैसे चलता है सिक्योरिटी yeah. अभी मैं सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं कि बेसिकली इसमें यहां तक पहुंचना ही पहले बड़ा टफ है विच इज अ रियलिटी प्लस वहां से निकलना प्लस आगे भी जा करके अपनी एक जगह बनाना और आगे ग्रो करना ये अपने आप में एक टफ सिनेरियो है ये कोई खेल नहीं है ये कोई हलवा नहीं है बट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी कोई खेल नहीं है यहां पर लगे पच्चीस तीस लाख रुपए दो साल में वहां पर लगे मानो लाख दो लाख रुपए दो साल में हमने ट्राई किया अलग अलग तरह के बिजनेसिस को दस अलग अलग तरह के बिजनेसिस को सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं अगर दस हमने एक्चुअल में ट्राई करे तो हंड्रेड परसेंट yeah. क्यों क्योंकि दस परसेंट बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं नाइन्टी परसेंट फेल होते हैं yeah. तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर किसी ने एक्चुअल में दस बिजनेस ट्राई करे क्योंकि तो मैंने भी पता नहीं दस बारह अलग अलग तरह के बिजनेसेस ट्राई करे थे तब जाकर के एक में सक्सेस मिली थी बस फर्क ये था किसी बिजनेस में मैंने पांच दस हजार रुपए लगाए कहीं पंद्रह हजार लगाए कहीं बीस हजार लगाए ऐसे करते 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 अलग अलग चीजें ट्राई करी बड़ा खेल कभी नहीं खेला जिसको आप टिपिकल जो एक स्टार्टअप इको की आप बात कर रहे हैं वो तो मैंने कभी किया ही नहीं ना कभी करूंगा तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बीस बीस हजार रुपए किया हर एक को करके भी सीखा प्लस पास में जो उन दस में सक्सेसफुल हुए उससे भी सीखा कि एक लाख ऑप्शन से, से पहले दस निकाले फिर दो लाख रुपए लगाए तो अब उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हंड्रेड हो गई ना क्योंकि दस में से एक तो चली जाएगा ना ऑलमोस्ट हंड्रेड है है ओवरनाइट नहीं होगा ये जो गेट रिच क्विक है ये तो बेवकूफ बनाने के धंधे हैं ऐसा नहीं है कि आज आपने डाला और कल कुछ हो गया मेहनत वहां पर भी है यहाँ पर भी है एक्चुअली सर द प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड यू सेट कि जब तक वील नॉट बी एबल टू सी वट इज गोना हैपन इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू फोकस ऑन तो अभी उन दस बिजनेसेज में क्या होगा वी डोंट नो बट वाई यू शेइंग दैट वी डोंट नो वी नो दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको अगर किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना है ऑनलाइन बिजनेस में हजारों लाखों तरह के ऑप्शन है बट उसमें अगर आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में टॉप पे कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो ऑनलाइन दुनिया है पहले नहीं पता होता तो पहले ये सब सीक्रेट होता था बाय yeah. के ऑप्शंस होते हैं प्लस ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो रिवील करते हैं खुद कि हमारे प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड कौन से दस प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल्ड ट्वेंटी वन में और टू में कौन से थे तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि वहां पर एक लाख बिजनेस ने ट्राई किया बिजनेस करने का उनमें से बीस ने क्रैक कर लिया तो उन बीस में से हमको यह भी नजर आ रहा है कि इंडिया में किसमें गैप है किसमें नहीं है हमको यह भी नजर आ रहा है उन बीस की क्या स्ट्रेटेजीज है तो वो करना कहां मुश्किल रह गया वो तो आसान हो गया बहुत ऐसे ही तो इंडिया में बिजनेसेस होते हैं इंडिया में एक्चुअल में ओरिजिनल थिंकर्स हैं कहां रेयरेस्ट ऑफ तो रेयर कोई है yeah. ज्यादातर क्या है बाहर एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ उसका इंडियन रेप्लिका निकाल दिया इंडियन वर्जन निकाल दिया यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है तो अगर यही करना है तो ये तो हो गया एक बड़े लेवल पे जिसको बोलते हैं स्टार्टअप yeah. मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं स्टार्टअप की बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एक ऑनलाइन स्टोर जो महीने के हजार दो हजार रुपए में शुरू हो जाता है हाँ. तो वही चीज जो बड़े लेवल पर होती है यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती है जिसके लिए आपको एक इन्वेस्टर चाहिए जो आकर के कुछ मिलियन डॉलर की आपको फंडिंग देगा फिर आप करोगे फिर जाकर के वहां से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होगी बिलियन डॉलर की जिसमें से अल्टीमेटली आपका स्टेक डाइल्यूट होने के बाद में रह जाएगा मानो पांच तो अल्टीमेटली आपने कितना कमाया बिलियन डॉलर में से फाइव फिफ्टी मिलियन डॉलर तो पचास मिलियन तो वैसे भी कमाया जा सकता है ऐसे से लोग है उन्लाएं, उन्लाएं दस, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी समझ से परे है इसीलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एक्चुअल में जो यंगस्टर्स को देखते हैं सुनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन करते वही है जो सब कर रहे हैं सर द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बाउंड कर रहा है फ्रॉम आर टारगेट्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम डूंग इट इंडिपेंडेंटली तो फ्रीडम कैन बी हजार्डियस इन द इनिशियल ईयर्स बिकॉज अगर हम खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो विल स्टार्ट प्रो कैस्टिनेटिंग दैट थिंग तो उस दर से फिर वो सक्सेस मिलना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसको कंटिन्यूअसली टालते रहते हैं कि हाँ मैं कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा वो काम एक धीरे होने लग जाता है बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ इस दिन एग्जाम है तो उससे पहले मुझे पढ़ना है बट वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है कोई टारगेट नहीं है तो समटाइम्स आर माइंड डजेंट वर्क एट इट्स बेस्ट वेन वी डोंट हैव क्लियर गोल्स और क्लियर टारगेट्स सो इफ आइदर वी हैव टू सेल्फ डिफाइन दम कि हाँ मेरे को एक साल में इतनी चीज़ें करनी है कि आई हैव टू ट्राई एटलीस्ट टू टेक इट टू दैट लेवल इतना काम मुझे करना है बट इफ वी आर नॉट डूइंग इट एंड अगर हम उसको स्टार्ट कर भी देते हैं तो कॉन्टीन्यूअसली तो अगर हम प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं तो फिर उसमें कुछ होता नहीं है तो फिर अगेन वो अबेंडन हो जाता है तो वॉट यर सेंग इज की एक अथॉरिटी चाहिए हमको जो हमारे सर के ऊपर बैठी हो और हमको बताए कि यह डेडलाइन है अगर इस डेडलाइन तक नहीं किया तो तुम फेल और अगर कर लिया तो पास जैसे टिपिकली Yeah. जो स्कूल टाइम में जो कंडीशनिंग हुई है yeah, because, कि एग्जाम से एक हाँ, महीना पहले ही पढ़ते हैं हम हाँ, चाहे जो मर्जी कर लो because, जब तक सर पे डंडा ना हो हाँ, वो स्कूल से स्टार्ट हो 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 गया right. तो तो हो है राइट कंडीशनिंग कंडीशनिंग चुकी तो आप कह रहे हो कि गई है हमारी स्कूल में ही कि जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक हम काम नहीं करते हैं बिकॉज yeah, स्कूल yeah. का पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज नॉट डिजायर ड्रिवन आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो राइट आपको बताया जाता है कि भैया साल के एंड में ये एग्जाम है ये इसके लिए तैयार हो जाना

तो क्या इस सब की रूट अगर आप रूट लेवल पे बात करें क्या रूट कहीं ये तो नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की इस टर्म के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है कहीं पर भी कि ऐसी भी कोई चीज होती है सिक्योरिटी के बारे में तो सुना है अगर यहां से मैं फाइनेंशियल वर्ड भी हटा दूं तो फ्रीडम के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है फ्रीडम होती भी है या नहीं होती है हमें क्या पता है सक्सेस वर्ड तो पता है कि ये एक हैरारकी है ये एक लैडर है इसके टॉप तक तुम्हें पहुंचना है तो तुम सक्सेसफुल हो नहीं तो तुम फेलियर हो सिंपल एजुकेशन में भी वही लैडर है कॉरपोरेट में भी वही लैडर है हर जगह लैडर्स हैं और वहां पर आपस में मारकाट मची हुई है जहां से होते हुए आपको किसी तरीके से वहां तक पहुंचना है तो ये तो हमको पता है बट फ्रीडम वर्ड हमने नहीं सुना है फाइनेंशियल फ्रीडम हमने नहीं सुना है एप्सोल्यूट फ्रीडम को तो भूल ही जाओ कि वो क्या होती है इमेजिनरी एक स्टेट है लोगों के लिए कि पता नहीं वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है तो जब ये ही हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से हमने सेशन को शुरू किया था ना yeah, yeah. मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर आपको चॉइस मिले कि यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम या फिर ऑफ बॉन्डेज तो क्या चूज करोगे चाहे कोई इंसान हो चाहे जानवर हो वो फ्रीडम ही चूज करेगा yeah. अगर जानवर भी बोल सकते तो किसी को भी पिंजरा पसंद नहीं आता है एक पंछी को पिंजरा पसंद नहीं आता है वो उड़ना चाहता है दैट इज फ्रीडम फॉर दैट बर्ड बट जानवरों के केस में क्या है हम उनको पिंजरे में कैद करते हैं इंसानों के केस में क्या है हमने खुद ही अपने माइंड में एक पिंजरा बनाया हुआ है सोसाइटी ने हमारे एक पिंजरा बनाया हुआ है और हम खुद उसमें जा करके फंस जाते हैं और कैद हो जाते हैं लेक्चर अराउंड हाउ द कॉर्पोरेट सिस्टम इंडिया इवोल्व सो बिफोर एल पी जी रिफॉर्म्स केम इन इन नाइनटी टू नाइन्टी थ्री देर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन सो एम एन सीज एबल टू कम इन टू इंडिया वैन दिस रिस्ट्रिक्शंस फेल्ड आउट सो अ लॉट ऑफ कंपनीज केम इन

in India because there's a lot of you no know, work hours are not well defined. People do work on Saturdays and Sundays as well. अब यहाँ पे इसी को एक step और आगे बढ़ाते हैं इस conversation को। yeah. आपको साफ दिख रहा है yeah. कि ये हालत है, कि <laughs> <Yeah. laughs> yeah. ये trap है। yeah. लेकिन फिर भी हम खुद अपनी मर्जी से उस trap की तरफ भाग रहे हैं उसमें फंसने के लिए, उससे बाहर निकलने के बारे में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। Yeah. इट्स अ फैक्ट इट्स बॉन्डेज इट्स नॉट फ्रीडम इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद फ्रीडम दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द कॉपरेट वर्ल्ड व्हिच इज ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म उनको आपकी फ्रीडम की नहीं पड़ी है yeah. उनको क्या पड़ी है? एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसको एक कंपनी बोलते हैं उसमें आप एक छोटा सा क्या बोलेंगे एक मैकेनिकल पार्ट हो गए yeah. वो पार्ट बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है उस पूरी बड़ी मशीनरी में और आपको उसमें फिट होना है मशीनरी आपके लिए चेंज नहीं होगी मशीनरी जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी उसमें आप फिट हो गए जितने अच्छे से फिट हो जाओगे यानी जितनी जल्दी एग्री कर जाओगे थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट किया तो गड़बड़ हो गई द मोमेंट यू डिसएग्री देर इज बाउंड टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप एंड द इंडिविजुअल दैट ग्रुप कुड बी अ कॉपरेट एंटिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग फॉर दैट मैटर द मोमेंट यू डिसएग्री विद देम यू आर बाउंड टू बी थ्रू नाउट ऑफ दिस्टम दट द हार्ट रियालिटी ऑफ द सिस्टम तो जो सब कर रहे हैं वो ही करना पड़ेगा तो so, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरी मशीनरी में हम जा करके एक जगह पर फिट हो जाएंगे और हमें यह गलत होगी कि हम इस मशीनरी को चला रहे हैं जबकि <laughs> उसको एक सेकंड लगेगा उसको बाहर किया उसकी जगह किसी और को फिट किया क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ये सर आई वॉन्ट इट टू नो कि कैन वी बिकम दैट पार्ट ऑफ दैट मशीनरी दैट वी बिकम दैट एससेट फॉर देट कंपनी दैट इट इट बिकम्स देयर नीड चांसेस बहुत कम है क्योंकि मशीनरी बहुत बड़ी है yeah. जो but आप the, कह रहे हो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो आप ये कह रहे हो कि आप उस मशीनरी का एक ऐसा हिस्सा बन जाओ कि आपके बिना वो मशीन बंद हो जाए यानी यू बिकम एन पार्ट ऑफ दैट मशीनरी कि आपके बिना वो मशीनरी ना चल पाए yeah. हो सकता है व्हाई नॉट या मे बी यू अपग्रेड योर स्किल्स ठीक है आपके बिना मशीन चल जाएगी बट योर रिप्लेसमेंट विल नॉट बी गुड इनफ योर रिप्लेसमेंट विल नॉट बी एज गुड एज यू या बट ऐसा हमें लगता है क्योंकि

in my internship which ended just now uh, i can't reveal the name of the company that's okay huh. uh, i was working on a project uh, which was about rpa it's in technology robotic process automation and i was studying an article so it's going to take around 30 million jobs in next 5 years so i guess uh, the the thing you said that if you are not updating yourself uh, in that machinery and uh, if you are doing something which is redundant can be replaced by technology you are going to get replaced very soon राइट right, ये तो होना ही है नहीं बट द पॉइंट इज नॉट के आप रिप्लेस हो जाओगे क्योंकि नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी ना देखो जब लोगों को ये डर लगता था कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा कंप्यूटर आ तो गए तो नई जॉब्स क्रिएट हो गई राइट ऐसे ही जब ए आ जाएगा तो उस ए को भी तो बनाने वाला बिल्ड करने वाला कोई चाहिए ना yeah. तो जॉब्स शिफ्ट हो जाएंगी बेसिकली अभी जो करियर का जो माइंड है लोगों का वो कैसा है कि एक ये मैंने कहीं पे पढ़ा था पता नहीं किसका मैंने पढ़ा था कहाँ पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा बट पढ़ा इंटरेस्टिंग एक थॉट था

कंप्यूटर पूरी कर देगा या फिर वो नीड आज एक हजार लोग मिलकर कर रहे हैं पूरी कल दस लोग मिल करके कर देंगे या वो इंडस्ट्री ही चेंज हो जाएगी तो एकदम से ही सब कुछ शिफ्ट हो गया ना yeah. जैसे पहले एनालॉग कैमराज होते थे अब डिजिटल कैमराज होते हैं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही चेंज हो गई पहले मोबाइल फोन होते थे अब स्मार्टफोन होते हैं तो पूरी इंडस्ट्री ही गायब कहां गई वोली इंडस्ट्री सब गायब उसमें पुराने कुछ प्लेयर्स होते थे अब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते वो इस नई दुनिया में तो एकदम से एक शिफ्ट आता है तो अब फ्यूचर में क्या होगा करियर ऐसे नहीं होंगे कि एक आपने फाउंडेशन खोदी जैसे घर वाले सोचते हैं फाउंडेशन क्या है ये डिग्री ये डिप्लोमा फिर इसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं करियर बीस साल का एक्सपीरियंस और वो बड़ा होता चला जा रहा है ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में कैसा होगा टेंट के जैसा होगा जैसे ट्रैकिंग में होता है कि टेंट को समेटा ले जा करके कहीं और लगा दिया फिर कहीं से और से लिया कहीं और लगा दिया इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ बिल्डिंग और जिनकी वो बिल्डिंग वाली अप्रोच है वो फंस जाएंगे क्योंकि तो जैसे ही उनको बाहर किया जाएगा उनको पता ही नहीं होगा अब हम क्या करें और जिनकी टेंथ वाली अप्रोच होगी वो क्या करेंगे फटाफट से अपनी स्किल को चेंज कर देंगे वो फटाफट से अपने करियर को ही चेंज कर देंगे कुछ नई स्किल एक्वायर कर लेंगे कुछ नया कर लेंगे और फटाफट से वहां शिफ्ट हो जाएंगे जैसे भी कोविड के टाइम पे हुआ yeah. कि सब कुछ ऑफलाइन से एकदम से ऑनलाइन हो गया तो सब कुछ ही बदल गया ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तो रातों रात एवरीथिंग चेंज कितनी सारी ऐसी जॉब्स थी जो चली गई पूरी तरह से और बहुत कुछ ऐसा है जो अब धीरे धीरे वापस से ऑफलाइन पे आएगा और बहुत कुछ ऐसा है जो अब ऑनलाइन हो गया क्योंकि लोगों को उसी की आदत पड़ गई उसी में मजा आने लग गया ये कह लो पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया जो ऑफलाइन था वो ऑनलाइन में चला गया तो अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था बाहर सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि जब हमको नजर आ रहा है कि यहां पे जाकर के हम एक ट्रैप में फंस सकते हैं निकल भी सकते हैं बट निकलने की पॉसिबिलिटी कम है फंसने की ज्यादा है इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर फंसने की पॉसिबिलिटी जीरो है अगर आप स्मार्टली चलते हो तो और निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वंस यू आर इंडिपेंडेंट तो आप जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे वो करो जितना आगे जाना है जाओ ना तो ऊपर की कोई लिमिट है ना वर्टिकली कितना ग्रो कर सकते हो उसकी कोई लिमिट है ना हॉरिजॉन्टली कितना ग्रो कर सकते हो उसकी कोई लिमिट है कोई लिमिट ही नहीं है आप कहां तक जा सकते हो एंड एक बार अगर आप अपने बिजनेस को सिस्टम्स एंड प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो तो यह फ्री आप टाइम वाइज भी फ्री हो गए पैसे वाइज भी फ्री हो गए स्केलेबिलिटी वाइज भी फ्री हो गए कितना भी स्केल कर लो एक बार अगर आप ऑटोमेट कर सकते हो तो बट सर आई वॉन्ट टू नो अ करियर पाथ लाइक वन इज की आप एक ट्रेडिशनल करियर बात लो एक आप जिसकी बात कर रहे हो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम मे बी पेइंग वेरी हाई फीस बट आई नो दैट इज अ सिक्योरिटी दैट आई एल गेट इट बैक इन इन अ कपल ऑफ इयर्स नॉट मोर देन दैट तो एंड आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एक्सेप्ट द प्लेसमेंट्स

बिकॉज अगर मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली एक डर है कि मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर वो नहीं चला और मेरे पास इतना सेविंग्स नहीं है कि आई कैन सस्टेन माई फैमिली तो मेरे को अगेन स्विच मारना पड़ेगा जॉब में हाँ बट ये इट्स लाइक अ डूल एज इज सॉल्ट क्योंकि अब क्या हुआ कि आपके पास में बैकअप प्लान है और किसी और के पास में नहीं है जैसे मेरे पास में कोई बैकअप प्लान नहीं था <laughs> तो मेरे लिए क्या हुआ आपने वो कहावत सुनी होगी कि वहाँ पे गए और अपने शिफ्ट चला दिए कि अब अगर जाएंगे तो इनके शिप्स में जाएंगे मतलब एक सेना कहीं किसी आइलैंड पे लड़ने के लिए ये, गई ये, उन्होंने कहा <laughs> जाएंगे, जाएंगे तो इनके शिप्स में अब वो ड्राइव आ गई ना जिसकी आपने बात करी थी अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी पानी के अंदर ले जाकर के मैं डुबो दूं तो वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है ना फाइट इन बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन जस्ट टू सर्वाइव अब यह कोई साइकोलॉजिकल डिजायर नहीं है जो आपको भगा रहा है yeah. अब तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो गई सर्वाइवल के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो बट आपके केस में क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या होगा क्योंकि अब आपके पास में यू हैव गॉट समथिंग टू फॉल बैक ऑन तो अव्वल तो वो रिस्क लेने के चांसेस ही बहुत कम हो गए yeah. क्योंकि सक्सेस वहां पर क्लियर कट दिखाई दे रही है यहां पर तो दिख ही नहीं रही है इट्स एन अनोन पात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ yeah, yeah. क्योंकि उस पर तो दिखना ही इट्स लाइक अ टनल

अगर आपके पास में कोई ऐसा कमरा है जहां पे रोशनी है तो अंधेरे में आप कुछ देर में ही डर जाओगे एक दो महीने में और आप कहोगे इसको छोड़ो बेकार है रोशनी में चलते हैं हाँ। तो फिर वो जो कंप्लीट रोशनी वाली जो फीलिंग है वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि थोड़ी सी रोशनी भी बहुत हो गई आपके लिए बिकॉज अंधेरे के कंपेरिजन में थोड़ी रोशनी भी बहुत होती है बट सर अगेन दिस विल हैपन जब हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं जिनके पास सेम नॉलेज है बट अगर

अपना कुछ करना है सबको जॉब ही चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए तो वहां तक पहुंचे हैं लोन लेकर के जैसे भी करके yes. तो चाहिए तो जॉब ही ना यस yes, यस yes. तो अब ये चीज सोचने वाली है मतलब जस्ट आई थिंक कॉन्वर्सेशन जो होनी बहुत जरूरी थी और शायद इसी वजह से हुई है ये कॉन्वर्सेशन अब जो देख रहे हैं उनको सोचना है उनको दिमाग लगाना है क्या सिर्फ एक ही रास्ता है दुनिया में जिसके थ्रू हमको आगे बढ़ना है या कोई दूसरा रास्ता भी है ये भी सवाल पूछने से पहले अपने आप से ये पूछना है कि मुझे चाहिए क्या है अपनी लाइफ से जैसे मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था वैन आई वज अराउंड आई थिंक नाइनटीन और ट्वेंटी इयर ओल्ड मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था और मैंने बुक लिखने के बारे में सोचा था रिटायर एट थर्टी मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था मुझे रिटायर हो जाना है किससे काम से नहीं पैसे से मतलब आई एल नॉट वर्क फॉर मनी एनी मोर तीस की एज में तो मैंने अपने सेशंस आई थिंक आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ थर्टी टू और अट्ठाईस सौ उनतीस में मैं रिटायर हो गया था एज फार एज ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्नड सब कुछ ऑटो पायलट पर चला गया था तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन तो है और मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरा सर्कल है ऐसे लोगों का तो मेरे को पता है मेरे ऐसे और बहुत हैं बहुत मतलब बहुत लाखों लोग हैं बस फर्क क्या है उनके बारे में किसी को पता नहीं है और वो लोग अपने सीक्रेट्स किसी को बताते नहीं है क्योंकि yeah. उनको डर है कि अगर हमने बता दिया तो कोई और भी आ जाएगा हमारे लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा इवन देर लॉर्ड ऑफ बिजनेस मतलब जो आई आईव सीन इज कि जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइक like, बट एक वो माइंड होता है गल्ले वाला कि गला नहीं छूटता है राइट right. मतलब बहुत सारे लोगों लोग को बिलीव ही नहीं होता है कि वो कर सकते हैं कि वो छोड़ा जा सकता है मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी तो एक वो अवेयरनेस भी कम है कि ऑटोमेशन इज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी बिजनेस राइट तो बहुत सारे लोग ये लगते हैं कि मतलब हो ही नहीं सकता एंड दे आर लॉड ऑफ बिजनेस जो काफी अच्छे लेवल पे हैं लाइक दे आर अर्निंग अराउंड थ्री फोर फाइव लैख पर मंथ बट वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं और एक कंफर्ट जोन आ गया अब लाइफ स्टाइल इज इवन वर्स वर्सोरेट वर्ल्ड क्योंकि अब उनको 7 into 24 उस बिजनेस में रहना है अदरवाइज वो बंद हो जाएगा मतलब इफ दे आर नॉट नॉट इट विल वर्क नहीं बट यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है देखो अगर वो बारह घंटे भी एक दिन में काम कर रहे हैं ना और वो तीन लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं जो भी आपने एग्जाम्पल दिया कि तीन चार लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं और बारह घंटे दिन में काम कर रहे हैं लेकिन अपना गला नहीं छोड़ पा रहे राइट दूसरी तरफ से कोई है जो कॉपोरेट जॉब में है वो भी तीन चार लाख रुपए महीने का कमा रहा है और वो अपना हफ्ते में पाँच छह दिन उसको काम करना है और मान के चलते हैं ऐसी कंपनी में वो पहुंच चुका है जहां पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर जो सबके माइंड में एक ड्रीम कंपनी होती है आपके भी माइंड में होगी yeah. ये टॉप टेन कंपनीज है इसमें से किसी एक में घुसना है किसी भी तरीके से क्योंकि पता है वहां पर वर्क एटमोस्फेयर कैसा है अंदर का सब हमको पता होता है तो एनी हाउ अब मैं क्या कह रहा हूं अगर इसको भी हम आराम से कंपेयर करें कि अगर आप उन टॉप टेन कंपनीज को भी हटा दो क्योंकि इंडिया में सिर्फ टॉप टेन तो नहीं है ना हजारों है yeah. आपके अपने हाथ में तो नहीं है कि आपको उस कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी तो मान लेते हैं उन टॉप टेन में आपकी नहीं लगती कहीं और लग जाती है जहां पे वर्क एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना कि उन टॉप कंपनीज में है जहां पर टाइम का कुछ पता नहीं है और अब तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम हो गया है जब से ये कोविड के टाइम पे तो टाइम की सारी धजियां उड़ चुकी है मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनका कहते पहले तो फिर भी डिफाइंड था कि दिन में सात आठ घंटे था अब तो कोई टाइम ही नहीं है दिन है रात है सब लगे हुए हैं एनी हाउ तो अब अगर उस गले वाले की भी बात करी जाए और इनको भी एच टू एच मतलब इन दोनों को साथ में रख के कंपेयर किया जाए तो दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि वो जो गल्ला वाला है वो जो गल्ले पे आदमी बैठा है ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी वन ही डोंट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम जहां पर उसको एडजस्ट करना है ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड राइट लेकिन फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए टाइम वाइज फ्रीडम नहीं है उसके पास में बस साइकोलॉजिकल फ्रीडम इसके पास में ज्यादा है but वो अपने हिसाब से जो चाहे कर सकता है साइकोलॉजिकल फ्रीडम ही 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 नॉट हैव एन अथॉरिटी फ्रॉम एनी वन That's true, but there is no authority, right? There is no authority for him. So, us way me, to free, ho gaya na. But still, he is bounded by his needs. So he'll have. He's to bounded by his own foolishness. Yeah. <laughs> right. Yeah. Not because of the <laughs> foolishness of somebody else. Yeah. Yeah. दोनों में बड़ा फर्क है. Yeah. एक है आपके ऊपर कोई foolish boss बैठा है. Yeah. जरूरी थोड़ी जो आपके ऊपर है वो समझदारी होगा. Yeah. <laughs> इंडिया में तो थोड़ा कॉमन है yeah. कि राइट <laughs> right? yeah. कंपनी शुरू हुई huh. वहां से पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर एक बंदा एक लेवल पे था वही धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया अब वो बंदा कैपेबल तो नहीं है डिजर्विंग नहीं है बट पुराना है पुराना है तो वो आपके टॉप पर है वो बॉस है उसको काम नहीं आता है काम आपको आता है लेकिन वो बॉस है बहुत मिलेंगे आपको अभी जैसे जैसे आप अंदर एंटर करोगे ना कॉपोरेट की दुनिया में तो कहने का मतलब है वो टाइम सही इज के ये जो बंदा फंसा हुआ है ये अपनी बेवकूफी की वजह से फंसा हुआ है अपने फियर की वजह से फंसा हुआ है तो वो अपनी मर्जी से फंसा हुआ है उसको किसी ने फंसाया नहीं है अपने ही वजह से वो फंसा हुआ है बट वहां पर बात करी जाए तो वो अपनी वजह से नहीं फंसा हुआ वो फंस गया है पूरे के पूरे सिस्टम में फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो सर वट आर यू थॉट्स ऑन डूइंग इट दिस वे कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो साइड में ऑल इन नहीं हुए एंड साथ में आप जॉब भी कर रहे हो वट यू आर थिंकिंग इज की इसको बिकॉज अभी आप स्मॉल लेवल पे छोटे लेवल पे कर रहे हो कि रिक्वायरमेंट्स में भी ज़्यादा है या फिर इफ यू आर गेटिंग मोर मनी फ्रॉम दैट जॉब बट एज इट स्टार्ट बिकमिंग अ बिग यू क्विट योर जॉब एंड यू स्टार्ट फोकसिंग राइट देयर इट्स अ ग्रेट आइडिया प्रोवाइडेड यू कैन डू इट और ये कब कर पाओगे ये तभी कर पाओगे जब आप इस बात की इंटेंसिटी को देख पा रहे हो जिस बात के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्या वर्ड फ्रीडम yeah, yeah. अगर इसको आप समझ पा रहे हो कि फ्रीडम का मतलब क्या है इफ यू कैन फील इट इन योर नर्वस सिस्टम इन योर ब्लड इन योर वेन्स इफ यू कैन फील इट कि किस लेवल से मैं क्या बात कर रहा हूं कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है फ्रीडम मतलब कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन और एनी थिंग मनी और दिस और दैट यू आर एब्सोल्यूटली फ्री कुछ करना है करो पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना है मत करो बट अब आप क्यों करोगे क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट इस स्टेज तक पहुंच पाए हो yeah. तो अब आप करोगे अपने बेनिफिट के लिए नहीं और बेनिफिट के, के लिए yeah. इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस दुनिया के बेनिफिट के लिए क्योंकि yeah. नहीं तो आप कोलैप्स कर जाओगे यू हैव टू बहुत लोग ये समझते हैं कि अच्छा इसके बाद में रिटायर हो जाएंगे करेंगे क्या <laughs> वो बेसिकली फ्रीडम को डिजर्व ही नहीं करते हैं. Yeah. इसीलिए वो फ्री ही सत्तर साल की एज में होते हैं आप समझ गए मेरी बात दे डोंट डिजर्व इट जो एक्चुअली में डिजर्व करेगा ना इस बात को जो मैं बात कह रहा हूं yeah. वो खाली नहीं बैठ सकता उसके बाद में yeah. वो करेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा बट क्यों करेगा फॉर द फन ऑफ डूइंग इट और टू कंट्रीब्यूट और टू मेक अ डिफरेंस इन रियालिटी नॉट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल तो जो आपने कहा बहुत अच्छा आइडिया है क्या कि अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो काम कर लो कुछ टाइम तक जब तक भी वो करना पड़ेगा मानो कि वहां से आपको एक पैकेज मिल रहा है दस बारह लाख रुपए का पंद्रह लाख रुपए का तो जब आप पैरेलली अपना कुछ कर रहे हो विद एन इंटेंसिटी की डू और डाई वाली एक फीलिंग जानी चाहिए वहां पर मतलब वो कर रहे हो लेकिन डू और डाई यहां पर जा रहा है वहां पर नहीं क्योंकि वहां पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगर वहां पर ऊपर में भड़ भी गया लेडर पर तब भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है बॉन्डेज तो रहेगी ही फ्रीडम कहीं भी नहीं है बल्कि जो जितना ऊपर जाएगा ना लेडर पर उस पर उतना ही प्रेशर ज्यादा आएगा ध्यान yeah. से ऑब्जर्व कर लेना इस स्ट्रक्चर को आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ऊपर वालों को हटाया जाता है क्योंकि उनका पैकेज सबसे ज्यादा होता है नीचे <laughs> वालों को तो छेड़ते ही नहीं है क्या फर्क पड़ता है बीस तीस हजार रुपए महीना जो ऊपर बैठा है ना बीस लाख रुपए महीना वो सुनने में बड़ा अच्छा <laughs> लगता है बट बीस लाख के साथ में दो करोड़ का प्रेशर भी आता है तभी आपको कंपनी बीस लाख देगी जब आपसे दो करोड़ कमाएगी जब तक आप दो करोड़ का आउटपुट दे रहे हो उस कंपनी को तब तक वो बीस लाख आपको देगी जहां आपने देना बंद किया बाहर तो जो अभी आपने बात करी दैट्स अ ग्रेट आइडिया अगर आप कर सकते हो और वो करने की इंटेंसिटी कहां से आएगी दैट्स अ बिग क्वेश्चन वो आएगी अपने आप को देखने से कि मैं तीस साल की एज में चालीस साल की एज में कहाँ आऊँगा क्या कर रहा हूँ इनफैक्ट अगर आप वो कर पाते हो तो यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड क्यों क्योंकि अब आपको ट्रेडिशनल जो पाथ है वहां का जो बेस्ट है वो मिल गया है यानी एक बेस्ट कॉलेज से आप निकल गए हो आपके पास में नॉलेज है एक्सपीरियंस है नेटवर्क है सब कुछ है प्लस आपके पास में एक सिक्योर जॉब भी है तो घर वाले भी खुश फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई अब आपके पास में वीकेंड्स मिले सुबह मिला शाम मिला रात मिला उस टाइम पे आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर मोर देन इक्विप्ड टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी बिकॉज यू हैव गॉट द नॉलेज अब आपको सिर्फ फिगर आउट <laughs> करना है कि ऑप्शन क्या क्या है yeah. और अपनी इंटेलिजेंस को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है आउटपुट आ जाएगा और मे बी ये करके देन यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स एंड मे बी यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड यू कैन गेट इन टू टीचिंग वाई नॉट बोलते हैं ना टू टीच इज टू लर्न टाइस कब yeah. तक अपने लिए जीते रहोगे ये लोगों की थिंकिंग ही गलत है पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ही गलत है सोसाइटी का आइडियली क्या होना चाहिए कि पहले अपने लिए कुछ कर लो जब कर लो अपनी नीड्स को पूरा कर लो तो बाकी के लोग जो कि एक्चुअल में जिनको नीड है आपके जैसे लोगों की क्योंकि अब उनको आपके पैसे की इतनी नीड नहीं है आपके नॉलेज की और आपके एक्सपीरियंस की नीड है yeah. ध्यान से सोचो मेरी क्या नीड है सोसाइटी में कुछ नहीं अगर मैं कल मर भी गया तो इम्पॉसिबल तो तो हो, yes. हाँ, हो, तो 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 हो गया ना यानी चारों तरफ जो पक्षी कैद में है तो कोई तो पक्षी हो जो आकर के कहे कि नहीं आजादी नाम की भी एक चीज होती है वो कहेंगे नहीं होती है बड़ा पिंजरा होता है वो लड़ेंगे उससे पक्षी से क्योंकि आज़ादी कुछ नहीं होती है अभी मैं छोटे पिंजरे में हूँ मैं बड़े में हो जाऊँगा फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा बट पिंजरा तो पिंजरा है ना बट सर अगर हम बड़ा भी कर लेते हैं जो आपने बात बताया उसके अकॉर्डिंग भी पर फिर भी एक मेंटल अगर बाउंडेज आ जाए कि अब और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए तो फंस तो गए तो उसका कोई मतलब एंड तो है नहीं तो फंस गए ना लेकिन किसी और की वजह से नहीं फंसे अब आप अपनी बेवकूफी की वजह से फंसे अगेन दैट इज योर ओन फुलिशनेस जैसे मेरे पास में दो ऑप्शन है ना एक है कि मैं आपके साथ बैठ करके यहाँ पे बात करूं yeah. मंडे के दिन अभी हमको कितनी देर हो गई बात करते हुए कितना पौने दो घंटे पौने दो घंटे अरे वाह क्या बात है yeah. तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास में दूसरा क्या है कि मैं अपने और बिजनेस क्रिएट करूँ तो नो डाउट मेरे को उसमें मजा तो आएगा बट क्या वो सोसाइटी की नीड है अब यहां पर मुझे मजा भी आ रहा है और <laughs> नीड भी है यू गॉट इट बट यहां पर मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है yeah. ये सब करने के लिए तो क्या फर्क पड़ता है पैसा क्या होता है पैसा इज एनर्जी yeah. पैसा किसी का होता थोड़ी है एक्चुअल में अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा तो yeah. जैसे हवा पानी किसी का नहीं है इधर से आया उधर चला गया उधर से आया उधर चला गया रोटेट होता रहता है तो पैसा भी बेसिकली अगर स्टेगनेंट हो जाता है ना कोई बंदा उस पर कब्जा करके बैठ जाता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है लालच की तो वह कोई अच्छा नहीं है ना उसके लिए ना सोसाइटी के लिए ऐसा आदमी तो मैं क्या बात कर रहा हूं पैसे को यूज करो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए जो करने में आपको भी मजा आए और सोसाइटी का भी बेनिफिट हो दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग अगर कोई इस तरह से एक्चुअल में जी सकता है तो क्योंकि आप देखो ना आपके पास में तो कुछ ऐसा है जो मेरे पास में भी नहीं है मेरे पास में क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बट आई एम एन अंडरग्रैड एट द डे यू आर बेसिकली अ पास आउट फ्रॉम द टॉप कॉलेज अब आपके पास में नॉलेज भी है प्लस अब अगर आप अपना कुछ कर जाते हो अपने बेस पे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया तो अगर आप भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे दस साल बाद या बीस साल बाद कुछ अपना शेयर करोगे तो सोचो आप सोसाइटी के लिए कितने वैल्यूएबल हो गए सोसाइटी yeah. को ऐसे लोगों की जरूरत है या ऐसे लोगों की जिनके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ खच्चर जो सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं एक रेस में और उनको सिर्फ अपनी पड़ी है कि मैं उससे आगे निकल गया हूं वो मेरे पीछे हो गया है अब मैं उससे पीछे रह गया हूं अब मैं क्या करूं मैं 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 ऐसी बकरियां चाहिए जो मैं 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 करती रहे या फिर ऐसे लोग चाहिए जो इस मैं से फ्री हो जाए जो इस मैं से हट करके हमको देखें yeah. जो इस सच को देखें कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कभी ना कभी मुझे भी किसी ना किसी ने मदद करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अकेला नहीं पहुँचा हूँ बहुत लोग रस्ते में मिले थे yeah. तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी किसी ना किसी की हेल्प करूँ आगे बढ़ने में लाइफ में जिस भी लेवल पे लोग अटके हुए हैं उससे और आगे जाने में आई होप यू गॉट ऑल दी आंसर्स जो भी अभी तक हमने डिस्कस yeah. किया yeah, है प्लेजर मीटिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू इन योर लाइफ